प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है, क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है, इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए, तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हो और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहां जिस रूप में ये निवास करती है, उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है, तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भृकुटी के मध्य में 2 पंखड़ियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए, तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास न किया जाए। जब ये शक्ति जागृत होती है, तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है, तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है। यहां तक कि जब वो 6 चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है, तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोग सदैव प्रकाशित रहते हैं, सदैव प्रकाशित रहते हैं। अरे नारायण नारायण, देख रहे हैं विधाता, देख रहे हैं गुरु, विद्या निधि को विद्या दे रहे हैं, योगेश्वर को योग सिखाया जा रहा है। क्या महर्षि वशिष्ठ नहीं जानते कि
कि राम परब्रह्म के अवतार हैं? वत्स, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ सर्वज्ञ हैं। तो फिर परब्रह्म को साधारण बालकों की भांति क्यों पढ़ाया जा रहा है? पुत्र, ये मर्यादा है। राम इस समय मानव योनि में है, अतः राम को राम के मूल रूप का ज्ञान देना आवश्यक है। जैसे झिल्ली में गर्भ और काई में स्वच्छ जल छिपा रहता है, वैसे ही मानव संस्कारों, प्रारब्धों, पाप, श्राप में मानव का मूल ज्ञान छिपा रहता है। महर्षि, काई को हटाकर अमृत जैसे जल का बोध करा रहे हैं। तो क्या मानव अवतार में परमात्मा भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं? वत्स, प्रकृति के अपने नियम हैं, उसकी अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। उज्ज्वल आत्मा का प्रकाश उजला ही होगा, किंतु गुरु को ऊपर पड़े आवरण को हटाना ही पड़ता है। पुत्र, गिरति विनाशयति अज्ञानम अंधकारम छ गुरु, अर्थात जो अज्ञान अंधकार के आवरण को नष्ट कर देता है वही गुरु है। हाँ,